successfully? Does it come easily to you? Is it natural to you? Iske piche aapka family background hai ya aapka dekhne ka nazariya hai ya it's something that you consciously chose ya aapke andar ek serious film chupi padi hai? कॉमेडी फिल्में जो हैं वो मुझे लगता है अभी मैं कॉमेडी फिल्मों को नहीं चूज कर रहा हूँ, कॉमेडी फिल्में मुझे चूज कर रही है। कॉमेडी फिल्मों से मुझे हमेशा से बहुत लगाव रहा है। मैंने जब जब भी फिल्में देखी हैं, पहले जो फिल्में बनती थी उसके अंदर एक अलग अलग ट्रैक होता था कॉमेडी का, चाहे वो महमूद भाई का हो, जॉनी वॉकर का हो, तो वो मुझे हमेशा बहुत एक्साइटिंग लगता था। और मुझे ऐसा लगता था कि जो मेन कहानी चल रही है बहुत बोरिंग कर रही है, कब खत्म होगी, कब ये सीन शुरू होगा, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। और अब ये भी कह सकते हैं कि कॉमेडी जो है मूड में है, थोड़ा ह्यूमर का है वो, मैं अपने दोस्तों यार में बात करता हूँ तो थोड़ा इजीली भी आता है। हालांकि मैंने सारे जॉनर्स में फिल्में लिखी भी हैं और मैंने डायरेक्ट भी की है। मैंने लव स्टोरी बनाई थी, प्यार तो बनाई था, बहुत कामयाब फिल्म थी। मैंने दीवानगी बनाई थी, सस्पेंस थ्रिलर, लेकिन उसके बाद जब मैंने नो एंट्री बनाई और उसके बाद फिर लगातार मैं कॉमेडी ही बनाता चला गया, इसलिए कि बहुत सक्सेसफुल हुई फिल्में। कॉमेडी मुझे लगता है कि वो सबसे टफेस्ट जॉनर है। वो आज भी इतनी फिल्में लिखने के बाद भी, ठीक है आज ये होता है कि अगर आप एक बरसों से एक ही चीज लिख रहे हैं, एक तरह की चीज, एक जॉनर की कॉमेडी, थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाकी जो जॉनर है उसके ज्यादा मुश्किल है कॉमेडी लिखना। इसलिए कि आपको बहुत ही सोचना पड़ता है कि ये जो जोक आप कर रहे हो, ये जो क्रिएट कर रहे हो, ये होगा नहीं होगा, क्या होगा। कई मरतबा सीन्स में जो है आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा चलो ये सीन को एक काम करते हैं, एक पंच लाइन दे देते हैं तो वो निकल जाएगा। तो ये एक पेज का सीन है, चलो इसमें तीन पंच लाइन आ जाएगी तो भी सीन कॉमेडी में निकल जाएगा। कई मतलब कुछ और बनाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा इसलिए भी करनी पड़ती है कि आई डोंट बिलीव इन, मतलब मैंने कभी वल्गर कॉमेडी लिखी नहीं, डबल मीनिंग, मैंने वो एक जो आसान रास्ता है वो नहीं चुना। इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई भी वो फिल्म बनाना भी नहीं चाहता था जो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकूं। तो मुझे हमेशा लगता था कि एक पूरी फैमिली आए मेरी फिल्म देखने और सारी फिक्रों को, तकलीफों को, इतनी टेंशन लाइफ में होती है, उनको सबको छोड़ करके दो सवा दो घंटा ढाई घंटा अगर वो हंस सके और मैं उनको हंसा सकूं तो मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। और मुझे बहुत प्यार मिला जब से मैंने ये सारी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो नो एंट्री हो, वेलकम हो, सिंग इज किंग हो, तो बहुत मजा भी आता है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि मैं खुद भी पूरे दिन की मेहनत करने के बाद थोड़ा रिलैक्स रहना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं कॉमेडी फिल्में बनाकर मुझे भी वो एक जो माहौल जो चाहिए होता है वो मिल जाता है मुझे। मेरा नेक्स्ट सवाल एक बहुत ही सीरियस सवाल है।